हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन, कंप्यूटर नेटवर्क की डेफिनेशन क्या होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर एंड अदर पेरिफेरल डिवाइसेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग डेटा एंड हार्डवेयर रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब तो हमको समझ में आ ही रहा होगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस की। तो पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होते हैं, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस जस्ट लाइक स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं उनको हम लोग पेरिफेरल डिवाइसेस बोलते हैं। तो उनको भी हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में लिंक कर सकते हैं। और हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में किसी भी कंप्यूटर्स को लिंक क्यों करते हैं, ताकि हम लोग उसमें डेटा शेयर कर सकें और अपने हार्डवेयर रिसोर्सेज को शेयर कर सकें और आपस में दोनों कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशन को परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हैं। आइए हम लोग समझते हैं इसको डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे आप देख लीजिए डायग्राम है, जिसमें कई सारे कंप्यूटर्स हैं जो कि राउटर से हमारे कनेक्टेड हैं, और कई सारे ऐसे भी कंप्यूटर्स हैं जो हमारे वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड है। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग अपने कंप्यूटर को अपने नेटवर्क से या तो वायर्ड या तो वायरलेस दोनों तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग डेटा कम्युनिकेशंस पे। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, और एक मीडियम के थ्रू हम लोग यहां पे डेटा कम्युनिकेट करते हैं या फिर डेटा को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। मीन्स एक मीडियम का यूज करते हैं, उस मीडियम के थ्रू हम लोग डेटा को सेंडर टू रिसीवर भेजते हैं, ठीक है। तो आइए इसको भी समझते हैं हम लोग डायग्राम के थ्रू। मान लीजिए कि हमारे पास एक कंप्यूटर है, या फिर इसको हम लोग नोड भी बोलते हैं, ठीक है। और एक दूसरा कंप्यूटर है, एक हमारा सेंडर हो गया, एक हमारा रिसीवर हो गया, ठीक है। अभी ये क्या है, दोनों हमारे इंडिपेंडेंट कंप्यूटर हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी नेटवर्क नहीं है। मीन्स ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग को कम्युनिकेशन परफॉर्म करना है तो हम लोग को इन दोनों को आपस में कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग वायर या फिर वायरलेस का कोई भी मीडियम हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक मीडियम हो गया, ठीक है, जिससे कि अब हम लोग अपने कंप्यूटर्स के बीच में कम्युनिकेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं और मैसेज को एक्सचेंज कर सकते हैं या फिर डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि हमारे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इस डेटा कम्युनिकेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो वो सारे हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं, सबसे पहला है मैसेज, सेकंड है सेंडर, थर्ड है रिसीवर, फोर्थ है मीडियम और फिफ्थ है प्रोटोकॉल। तो ये हमारे कंपोनेंट्स हैं डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो आइए हम लोग सारे कंपोनेंट्स को एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा है मैसेज। तो मैसेज क्या होता है कि इट इज अ इंफॉर्मेशन to be communicated from sender to receiver, means कोई भी हमारा data जो कि हम लोग sender to receiver भेजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक information बोलते हैं। अब वो information जो होते हैं वो हमारे किसी भी form में हो सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे एक graph बना के आपको दिखाया हुआ है। तो वो जो हमारा data है वो हमारा text के form में भी हो सकता है, numbers के भी form में हो सकता है, pictures के form में हो सकता है, ऑडियो के फॉर्म में हो सकता है और वीडियो के भी फॉर्म में हो सकता है। मीन्स हमारा जो भी है इंफॉर्मेशन या मैसेज वो हमारे इन सारे डेटा के फॉर्म्स में किसी भी फॉर्म्स में हो सकते हैं जो कि हम लोग सेंडर टू रिसीवर एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेंडर। तो सेंडर बेसिकली क्या होता है, एक डिवाइस होता है। उस डिवाइस में हमारा क्या क्या हो सकते हैं, कोई भी एक कंप्यूटर हो सकता है या फिर हमारा कोई भी वर्क स्टेशन हो सकता है या फिर हमारा कोई एक मोबाइल फोन हो सकता है या फिर टैबलेट हो सकता है या फिर हमारा लैपटॉप भी हो सकता है। मीन्स वो सारे डिवाइसेज जिसके थ्रू हम लोग किसी भी मैसेज को सेंडर से भेजते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेंडर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिसीवर। रिसीवर बेसिकली क्या होता है कि वो डिवाइसेज होते हैं जो कि हमारे डेटा को रिसीव करते हैं और फिर क्या करते हैं, उसको रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने का मतलब कि हमारे जो डेटा होते हैं वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं मीडियम में, तो वो उनको फिर से डिक्रिप्ट करते हैं और उसको
हमारे डिवाइसेस पे डिस्प्ले करते हैं। तो रिसीवर का बेसिकली काम क्या हो गया कि हमारे डेटा को रिप्रोड्यूस करना और हमारे डिवाइसेस पे डिस्प्ले करना। नेक्स्ट हमारा है मीडियम। मीडियम क्या होता है? इट इज अ फिजिकल पाथ थ्रू विच अ मैसेज कैन बी ट्रेवल फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। मीन्स ये हमारा एक फिजिकल पाथ होता है जिसके थ्रू हमारा कोई भी मैसेज हमारे सेंडर टू रिसीवर तक जाता है। ठीक है, वो जो हमारा फिजिकल पाथ हो सकता है वो हमारा वायर के भी फॉर्म में हो सकता है और वायरलेस के भी फॉर्म में हो सकता है। तो हमारा जो मीडियम हो सकता है वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वायर या फिर वायरलेस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोटोकॉल की। तो प्रोटोकॉल क्या है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल यहाँ पे क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स है दैट गवर्न द डेटा कम्युनिकेशन। मीन्स हमारा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे या फिर एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे डेटा कैसे कम्युनिकेट होना चाहिए, कैसे यहां से सेंड होना चाहिए और वहां पे कैसे रिसीव होना चाहिए, उसके लिए हमारा एक प्रोटोकॉल होता है। और दोनों सिस्टम हमारे एग्रीड होते हैं उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि मैं स्टूडेंट हूं और एक गवर्निंग ऑफिस है, जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल। ठीक है, तो हमारे पेरेंट्स और हमारे स्कूल एक प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं कि हम लोग एक यूनिफॉर्म को फॉलो करेंगे और उसी यूनिफॉर्म को पहन के हम लोग स्कूल जाएंगे। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि जो हमारी स्कूल अथॉरिटी है और जो हमारी पेरेंटियल अथॉरिटी है वो दोनों उस बात पे एग्रीड है कि इस यूनिफॉर्म को पहन के हम लोग उस स्कूल में जाएंगे। वैसे ही क्या होता है कि जब भी हम लोग कभी कम्युनिकेशन परफॉर्म करते हैं दो सिस्टम्स के बीच में, तो उसके लिए भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें वो हमारे दोनों सिस्टम एग्रीड होते हैं और उसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस की। तो बेसिकली हमारे थ्री टाइप्स के कम्युनिकेशन होते हैं। सबसे पहला होता है सिंप्लेक्स। इन दिस सिस्टम द इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड ओनली इन वन डायरेक्शन। तो यहां पे देखिए कि यहां पे मैंने एक कीबोर्ड का ग्राफ बना हुआ है। कीबोर्ड से जो भी इनपुट हम लोग देते हैं वो हमारे सीपीयू तक जाता है और वो सीपीयू क्या करता है, उसको मॉनिटर तक पहुंचाता है। ठीक है, और मॉनिटर क्या करता है कि जो भी हमने इंस्ट्रक्शन अपने कीबोर्ड से दिए हुए हैं उनको अपने स्क्रीन पे डिस्प्ले करता है। मीन्स क्या है, ये एक डायरेक्शन में हमारा कम्युनिकेशन परफॉर्म होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बाई चांस हमारा यहाँ से मॉनिटर भी कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो वो हमारे कीबोर्ड के ऊपर परफॉर्म करेगा या फिर डिस्प्ले करेगा। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते ही हैं कि हमारा जो कीबोर्ड होता है वो एक इनपुट डिवाइस है और जो हमारा मॉनिटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं हाफ डुप्लेक्स की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिस सिस्टम आर पार्शियल बाईडायरेक्शनल। इसका मतलब कि हमारे पास दो सिस्टम है, वो दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड भी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे एक सिस्टम ही हमारा डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा और दूसरे टाइम पे दूसरा सिस्टम हमारा डेटा को ट्रांसमिट कर पाएगा। मीन्स एट अ टाइम हमारा एक सिस्टम ही डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है, उसके दूसरे टाइम पे ही हमारा दूसरा सिस्टम डेटा को ट्रांसमिट करेगा। नेक्स्ट है हमारा फुल डुप्लेक्स। ठीक है, तो ये क्या है, फुल्ली बाईडायरेक्शनल है। मीन्स एट अ सेम टाइम हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग मोबाइल फोन से बात करते हैं, तो मोबाइल फोन से जब हम लोग बात करते हैं तो एट द सेम टाइम हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। मीन्स उधर से भी कोई बंदा जो भी है वो हमसे कम्युनिकेट कर सकता है और इधर से भी मैं उससे डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ। मीन्स एट द सेम टाइम हम लोग डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग का इंट्रोडक्शन था कंप्यूटर नेटवर्क का। अब आते हैं स्टूडेंट्स हमारे आज के सवाल पे। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर देयर इन डेटा कम्युनिकेशन। तो उसके लिए मैंने चार ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला है 1, 3, 5 और 6। जो भी आंसर आपको सही लगता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस आर देयर? तो पहला ऑप्शन है 1, 3, 2 एंड 4। इसमें से भी जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप मुझको कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। सॉरी। सो होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये वीडियो पूरी तरीके समझ में आ गया होगा, नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो स्टूडेंट मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डीप इंफॉर्मेशन के साथ में नेटवर्किंग के। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।